हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2025। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात आता हूँ, जब आपकी 9th क्लास होती है वो बहुत सारे बच्चों की इतनी अच्छी नहीं जाती, बट 10th मोस्टली बच्चों की अच्छी चली जाती है। बट 10th से 11th का जो चेंज है ना, मुझे लगता है स्कूल लाइफ का सबसे मुश्किल वाला चेंज होता है। मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और क्या है कि पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम हो जाती है, स्कूल टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो 11th मोस्टली बच्चों की खराब चली जाती है। मोस्टली मतलब 90% बच्चों की 11th उतनी अच्छी नहीं जाती, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर जब वो 11th क्लास एंड हो रही होती है, उसके एंड में आते आते वो लोग घबराने लग जाते हैं कि यार मेरी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है, मैं 12th में कैसे कर पाऊंगा। तो आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 11th आपकी कितनी भी खराब गई हो, स्टिल आप लोग 12th के अंदर 95, 98, 99, 100% तक स्कोर कर सकते हो बच्चों के रिसेंट में आए हुए हैं। बट यस, आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। देखिए, पढ़ते सब है बट एक प्रॉपर वे के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। और बेटा, कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो, कोई भी एक्शन प्लान की वीडियो तभी हेल्पफुल रहती है अगर आप उसके एक एक पॉइंट को लिखो और उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायरी लेके आओ या आपकी कॉपी लेके आओ और उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं केमिस्ट्री की, और सेम आप लोग प्लान फॉलो कर सकते हो फॉर फिजिक्स, फॉर मैथ्स, फॉर बायो। ठीक है, आप सबसे पहले तो अपने यार सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ। सीबीएसई ने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया है कि 12th के आने से पहले ही वो लोग सिलेबस लॉन्च कर देते हैं। एग्जांपल देता हूं कि अप्रैल स्टार्ट होने से पहले ही मार्च में ही सीबीएसई ने आपका क्लास 12th का जो है सिलेबस लॉन्च कर दिया था। तो अगर मैं बात करता हूं चैप्टर्स की, तो बेटा जी रिसेंट जो प्रीवियस एनसीईआरटी होती थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी होती थी, उसमें केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट जो भी न्यू एनसीईआरटी है इसमें 10 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोकेन एंड हैलोरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं क्लासिफाई करूं तो ये हमारी बुक 1 होती है केमिस्ट्री की, ये हमारी बुक 2 होती है। बुक 1 जो है उसमें पहले 3 चैप्टर बेटा जी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और इसमें आप लोगों को चीजें याद करनी पड़ती हैं, ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ 11th के टॉपिक हैं जो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आप 12th स्टार्ट करने जा रहे हो तो, और वो मैं आपको करवाऊंगा भी, वो हमारी फ्री क्लासेज में हो जाएगा या फिर YouTube चैनल पे मैं आपको करवा दूंगा, आप लोग बता देना। सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको पीरियोडिक टेबल मस्ट आनी चाहिए, है ना। उसके बाद मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग है, वेस्पर थ्योरी आपको आनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं, डेल्टा एच वगैरह कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं, एसिड बेस की जो अलग अलग थ्योरीज हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन एक पूरे चैप्टर से ही लिंक्ड है, मैं उस चैप्टर का नाम बोलूं तो वो चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाफ पोर्शन 11th के रेडॉक्स रिएक्शन से ही लिया गया है। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी 11th की, उस पर आप एक प्रॉपर टाइम लगाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता लगाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे 5 चैप्टर्स हैं। अगर आप वेटेज की बात करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 33 मार्क्स है। ठीक है, 33 मार्क्स ही है, लगभग नहीं, और ये लगभग हाफ हो जाता है। 70 मार्क्स का पेपर आता है और उसमें से 33 जो है, कई बार मतलब एक दो पर कम ले लोगे तो ये 35 मार्क्स आप लोग मान के चल सकते हो। तो हाफ वेटेज सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। और देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंटरलिंक नहीं होते। लाइक अगर आपको सॉल्यूशन आपने नहीं पढ़ा, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो, या फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा, आप केमिकल काइनेटिक्स करना चाहते हो, या दोनों नहीं पढ़े हैं तो आप केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो, ये इतने इंटरलिंक्ड नहीं होते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी इंटरलिंक्ड है ना। अगर आपको डीएनएफ अच्छे से आता है तो इसके कुछ टॉपिक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलेंगे, बट ऑर्गेनिक का आपको हर एक चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको हैलोकेन हैलोरिन अच्छे से आता है तो आपको अगला चैप्टर समझ में आएगा, फिर अगला चैप्टर समझ में आएगा, और इसके बहुत सारे कंसेप्ट जो आपको इधर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल, एक बायो वाला चैप्टर है,
इसमें ऑर्गेनिक क्या इतना डीप नहीं चाहिए नॉलेज, बट इनमें आपको चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के मैंने स्पेसिफिक टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, आप खुद से पढ़ सकते हो, जो भी आपने बुक कॉपी बना रखी है वहां से पढ़ सकते हो, और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बोल दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट पेपर पैटर्न। अब देखिए, रिसेंट में ही सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है कि जो हमारी एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अकॉर्डिंग पेपर के डिफिकल्टी लेवल को कम करने के लिए, रट्टाफिकेशन को कम करने के लिए, पेपर को एमसीक्यू टाइप से बनाया जा रहा है, कंपिटेंसी बेस्ड बनाया जा रहा है, सो दैट कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो, कंसेप्ट के बारे में डीप नॉलेज ज्यादा हो, वो रट्टे ना मारे। और इस वजह से क्या होता जा रहा है बेटा, कि जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, उनको थोड़ा कम किया जा रहा है, और एमसीक्यूज की वेटेज बढ़ाई जा रही है, रीजन असेसमेंट के क्वेश्चन की वेटेज बढ़ाई जा रही है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज बढ़ाई जा रही है। अभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 50% पेपर हमारा सब्जेक्टिव आता है और 50% हमारा कंपिटेंसी बेस्ड आता है। सब्जेक्टिव में वही शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वो आएंगे, और इधर आपके प्रॉपर एमसीक्यूज होंगे, है ना, चार ऑप्शन होंगे, रीजन असर्शन होगा, केस स्टडी होगा, और इसकी वेटेज थोड़ी बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सिर्फ कंसेप्ट को याद नहीं करना, आपको समझने की कोशिश करनी है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगली बात चलते हैं। देखो यार, एक चीज मैं आपको बोलूं, एक बड़ी फेमस कहावत है कि अगर आप 100 जगह पर 1-1 फीट गड्ढा करोगे ना तो पानी नहीं आएगा, अगर आप एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा करोगे तो पानी आ जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझिए, आपको 100 टीचर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, आपको 100 बुक्स लेने की जरूरत नहीं, 100 बुक्स तो चलो होंगी भी नहीं शायद मार्केट में, 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक या दो बुक लेनी है, उन पे अच्छे से फोकस करना है, एक या दो टीचर्स को पकड़ना है एक सब्जेक्ट के लिए, उन पे अच्छे से भरोसा करना है। देखिए, सिलेबस सेम है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी लगभग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ये आप देखो कि आपकी टाइमिंग और ट्यूनिंग किसके साथ मैच करती है, किसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आता है, बस उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, फिर कोई भी नहीं रोक सकता, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सेल्फ स्टडी, समझ रहे हो, आपको टीचर एक कंसेप्ट समझा सकता है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपको जो बुक्स लेनी है, सबसे पहले तो आपके पास एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ये तो मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जो कि बोर्ड की तरफ से रिकमेंड की जाती है। इसके बाद आप एक हेल्प बुक ले लोगे, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, इधर वो एजुकार्ट है, ओजवाल है, ओजवाल गुरुकुल है, कोई भी, या फिर अरिहंत की एक बहुत अच्छी बुक आती है ऑल इन वन करके, वो अच्छी बुक होती है। एक पीवाईक्यू की बुक जरूर लेना, बिकॉज पीवाईक्यू बुक से आप क्या समझते हो कि हाँ यार, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली आप देखोगे क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट कंसेप्ट वही पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है ना, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिविजन। वीडियोज की मैं बात बोल चुका हूँ, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वन शॉट, एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वन शॉट देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और खुद से सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई किया करो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अब मेन बात है, ये बात सभी करेंगे ही, है ना, सभी अच्छी जगह से पढ़ भी लेंगे। अब मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं जो एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर स्टूडेंट से अलग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। देखिए, एवरेज स्टूडेंट्स की आपने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो देखेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे, शायद वो एक दिन पढ़ेंगे, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, शायद 14-15 आवर्स पढ़ लेंगे, बट आपको एक दिन में 14-15 आवर्स नहीं पढ़ना, आपको कोशिश करो दो दो तीन तीन घंटे डेली पढ़ लो, डेली पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, चाहे आप, हो सकता है कि किसी दिन आपको बहुत जरूरी काम हो, दिन 30 मिनट्स पढ़ लो, बट कोशिश करो बेटा डेली आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिवीजन। देखो यार, हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है बट अभी उतना भी नहीं बदला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को याद करना पड़ता है, और वो आपको याद होंगी मल्टीपल रिवीजन से। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो एक या दो बार मैं किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को पढ़ूंगा और वो मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हो बेटा जी, आपको मल्टीपल रिवीजन लगानी पड़ेगी, 4-5 टाइम्स किसी भी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। एक आदत डालिए, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो या जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से या क्वेश्चन बैंक से, जो जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हाईलाइट करते चलो, और शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने की आदत डालो। योर नोट्स आर गोल्ड।
ठीक है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत सारे नोट्स फ्लोट होते हैं और आप डाउनलोड भी कर लेते हो और उससे इंडियन पढ़ाई नहीं होती है ना। 10 टीचर 10 टीचर के 10 तरह के नोट्स होंगे बेटा, आपको अपने हाथों से जो नोट्स बना रखे हैं ना उनकी रीस नहीं ली जा सकती, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यस, आप रेफरेंस के लिए किसी टीचर के किसी टॉपर के नोट्स ले सकते हो, बट आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। इंडियन हमारा जो पेपर है वो पेन पेपर वाला पेपर होने वाला है ना। आपको लिख के आना है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, तो आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी राइटिंग भी थोड़ी इंप्रूव होगी। इसके बाद है अवॉइड एवरीथिंग जो भी टाइम वेस्ट करती है। देखिए जो सोशल मीडिया है, कोशिश कीजिए कि उसको आप खुद को इंप्रूव करने के लिए लगाओ, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। आपके पास टाइम है ही नहीं वेस्ट करने को, ठीक है बेटा। देखिए सिर्फ बोर्ड्स अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, उसके अलावा आप सीयूटी एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे या फिर जेई एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे, नीट एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नहीं है वेस्ट करने के लिए टाइम, ठीक है। आप एक दिन आराम से बैठ के खुद से सोचो, 11th क्लास में आपने सबसे ज्यादा टाइम किधर वेस्ट किया है, और धीरे 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 उन चीजों को कट करते चलो अपनी लाइफ से। लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन हेल्थ टू, और इवन मैं बोलूंगा फोकस ऑन हेल्थ सबसे पहले, इसको रखो हेल्थ सबसे पहले। कोज ये शरीर तुम्हारे साथ जब तक आप जीवित हो तब तक रहने वाले हो, क्लासेस तो हर बार बदलती जाएंगी। अपने दिन का सबसे पहला जो आवर है या अपनी इवनिंग का 1 आवर 2 आवर आपको अपनी हेल्थ पे देना चाहिए, है ना। अरे सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप खुद तो इतने मोटे हो, तभी कर रहा हूं, है ना। एक ड्रिंक करने वाला बंदा बता सकता है कि शराब में क्या कमियां हैं, एक मोटा बंदा बता सकता है कि हेल्थ खराब होने के क्या नुकसान है, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है बेटा। तो आउटडोर गेम्स की तरफ प्रेफर किया करो या फिर एक्सरसाइज वगैरह करो, है ना। तो और जब भी पढ़ो तो प्रोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग पढ़ो। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये होता है ना, ये एक एप्पल है, प्रोमोडोरो वाला एप्पल बोलते हैं इसको। इसमें ना कई बार हम क्या कर देते हैं, मैं ना टाइमर सेट कर देता हूँ। लाइक मैंने टाइमर सेट कर दिया 30 मिनट्स का। अब मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा और फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, फिर मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा या 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और बेटा स्टार्टिंग में आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप हर एक सब्जेक्ट को 30-35 मिनट दो और कोशिश करो, जहां भी पढ़ रहे हो, इधर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, बेटा आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है ना। आपको ये कोशिश करनी है। और अपना टाइम टेबल आप लोग स्लॉट वाइज बनाओ। स्लॉट मतलब एक मॉर्निंग स्लॉट होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट को सुबह सुबह पढ़ लिया करो, है ना। एक स्कूल से आने के बाद पढ़ो, है ना, एक जब आप सोने जा रहे हो तब पढ़ लो। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये वाला टाइम टेबल जनरली फॉलो नहीं किया जा सकता है कि 6 AM मैं उठूंगा, फिर 6:05 पे मैं बुक खोल लूंगा, पढ़ाना स्टार्ट पढ़ना, ये ऐसा जनरली नहीं फॉलो किया जाता है। आप लोग क्या करो, सिर्फ पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो कि हाँ यार इतना। देखिए कुछ टाइमिंग होती है जो हमारी फिक्स होती है, कि मुझे स्कूल जाना वो फिक्स है, मुझे ऑफलाइन कोचिंग जाना, ऑनलाइन कोचिंग जाना, वो फिक्स है। अब आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप स्लॉट्स डिवाइड करोगे और उसमें आप अपने सब्जेक्ट लगाओगे। मॉर्निंग का जो फर्स्ट आवर गोल्डन आवर है उसमें आप क्या करोगे बेटा, सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट पे फोकस करोगे जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, उस टाइम आपके माइंड की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, कोई उसमें इधर उधर का डाटा है ही नहीं, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, प्लान योर डे अ डे बिफोर, एक दिन पहले सोच लिया करो कि मुझे क्या करना है कल। और टाइम टेबल तो मैंने आपको बताई दिया है कि हमने स्लॉट वाइज पढ़ना है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और फॉर श्योर आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप इन चीजों को ध्यान से अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। और स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। आई एम हेयर फॉर यू, और फॉर श्योर जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको डाउट्स होंगे, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।